हे व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है जीत। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो का जो एप्लीकेशन है, जिसको शायद आपने अभी अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर रखा होगा, आप उसे यूज़ भी करते होंगे, और अगर नहीं इंस्टॉल किया तो प्लीज़ उसे इंस्टॉल कर लीजिए। सो गाइज, इस एप्लीकेशन में कुछ अपडेट्स आए हैं जिनको लेकर मुझे बहुत ढेर सारी कमेंट्स आ रही थी कि भाई बता दो ये जो नए अपडेट्स आए हैं क्या है, क्योंकि बहुत सारा डाटा उसमें ऐसा है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या है। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, ये जो अपडेट आए हैं बहुत यूज़फुल है, खास करके नए क्रिएटर्स को लेकर, ताकि वो अपने चैनल को एनालिसिस कर पाएँ, अपने चैनल की रिपोर्ट देख पाएँ। तो ये जो नया अपडेट आया है ये काफ़ी यूज़फुल है, आप अपने चैनल को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करने में इसकी हेल्प ले सकते हो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि क्या अपडेट हमें देखने को मिलते हैं क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन में। सो गाइज, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर इस लाइक बटन को दबा दीजिएगा। सो गाइज, अभी हम खोल लेते हैं अपने एप्लीकेशन को, यानी यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन को, और यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरफेस में काफ़ी सारे चेंजेस आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे तो लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस जो यहाँ पर दिखा रहा है, यानी जो भी आप लेटेस्ट वीडियो अपलोड करोगे उसकी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दिखाएगी, जो काफ़ी हेल्प करेगी आपको आगे फ्यूचर में आपके चैनल को ग्रो करने में। कैसे करेगी वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इससे पहले ये देखिए, आप जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो व्यूज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए, यानी ये रियल टाइम पर व्यूज़ को आपको बताता है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, आपके व्यूज़ अगर बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको बता देगा बढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने इस वीडियो पब्लिश किया, सिर्फ 6 मिनट हुए हैं और यहाँ पर व्यूज 201 हो चुके हैं। बाकी का जो सारा डाटा है वो अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, वो कुछ देर बाद शो होगा। तो अब मैं थोड़ी देर का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद की रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ और फिर मैं आपको अच्छे समझाता हूँ कि किस तरीके से जो यहाँ पर आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। सो गाइस, अभी मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम तक मैंने रुक गया और उसके बाद आप देख सकते हो सारा डाटा यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर इस वीडियो को अपलोड किए हुए 6 घंटे 57 मिनट हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है रेटिंग बाई व्यूज़ 1 of 10, यानी ये जो मेरी वीडियो है ये मेरे इस महीने की वीडियो में पहली पोजीशन पे, पहली रैंक पे है, क्योंकि इस वीडियो में व्यूज़ ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं। वो कैसे आपको पता चलेगा, वो नीचे आपको डेटा में दिख जाएगा, बट ये वीडियो मेरी नंबर एक पर रैंक कर रही है मेरे पिछली वीडियो के मुकाबले। व्यूज़ की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हो 2.4 के व्यूज़ दिखा रहा है और यहाँ पर ग्रीन एरो ऊपर की तरफ बना है, यानी कि आपके व्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं आपकी पिछली वीडियो के मुकाबले। यानी 7 घंटे, यानी 6 घंटे 57 मिनट दिखाए, तो 7 घंटे में जैसे आपकी पिछली वीडियो में कितने व्यूज़ आ रहे थे आप यहाँ नीचे देख सकते हो, लगभग 1.2 के से 1.8 के, बट इसमें कितने आ रहे हैं 2.4 के। तो यानी व्यूज़ इंक्रीज़ हुए, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी वीडियो अच्छा कर रही है। इस तरीके से एवरेज व्यू ड्यूरेशन और वॉच टाइम में भी सेम आप देख सकते हो कि ग्रीन एरो बना हुआ है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो अंदर जाकर भी आप देख सकते हो, इस वीडियो का हर एक एनालिटिक्स दिख जाएगा, जो कि आपको पहले भी दिखता था, बट हाँ अब आपको होम स्क्रीन पर ही दिख रहा है। और कुछ और भी ज़्यादा चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई हैं जो काफ़ी सही हैं, जैसे कि रैंक या फिर ये दिखाना कि हमारे व्यूज़ कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारी पिछली वीडियो से। ये सारी चीज़ें अभी तक इस एप्लीकेशन में नहीं थी बट अब आ चुकी हैं। अगर आप अपने चैनल का ओवरऑल डेटा देखना चाहते हो, यानी ओवरऑल एनालिसिस देखना चाहते हो, तो आप ऊपर उस पर क्लिक करके यहाँ पर से जो आके देख सकते हो, जैसे कि पहले आप देख सकते थे नॉर्मल सा। सो गाइज, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये जो अपडेट्स आए हैं वो क्या है और किस तरीके से ये बेनिफिशियल है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, अगर कुछ आपका सवाल है या फिर कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ उस बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी आने वाली एक नई वीडियो का।